दोस्तों आज एक वार्निंग वीडियो के साथ हमें स्कैम या अलर्ट इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और बेसिकली इस वीडियो को जो बनाने का पर्पस है वो ये है कि टेलीग्राम पर जो मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, तो मैं पिछले 2-3 दिनों से एक अननोन पर्सन है, उन्होंने मुझे एक कुछ आर्टिकल शेयर किया और उन्होंने बताया कि एक डार्क हाउस है, उस काउंटर के बारे में आप एनालिसिस कीजिए, वीडियो बनाइए और अपलोड कीजिए, लोगों को पता चलेगा। सो दोस्त, जिसने भी ये मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भेजा, सबसे पहले तो मैं आप सभी को वो मैसेज पढ़ाऊँगा, उसके बाद हम इस काउंटर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन सा ये डार्क हॉर्स है जो कि आपको बड़ा मुनाफा दे सकता है। ये कोई मिस्टर है, मुझे नहीं पता किसका नंबर है और इनको ये कहाँ से मिला, आई डोंट नो कि ये जो डेटा है वो इनके पास कहाँ से आया, बट इन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया है एंड इन्होंने कहा गुड मॉर्निंग सर, सब प्लीज़ स्टडी फॉर दिस डार्क हॉर्स। इनको पहले से ही पता है कि ये एक डार्क हॉर्स है और ये इसकी स्टडी चाहते हैं। हो सकता है कि आपको भी नहीं पता हो, तो आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आप मिस करेंगे तो फिर शायद कहीं ना कहीं आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। खैर, द प्रोमोटर बी डी अग्रवाल इज ए प्रेसिडेंट ऑफ द लोकल पावरफुल पॉलिटिकल जमींदार पार्टी इन द राजस्थान। हिज डॉटर श्रीमती कामिनी जिंदल इज प्रेसिडेंट ऑफ द एमएलए ऑफ द श्रीगंगानगर। मिस्टर गगनदीप सिंह सिंगला, हस्बैंड ऑफ द कामनी जिंदल, इज एन आईपीएस ऑफिसर इन द राजस्थान एंड इज पोस्टेड एज द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द पुलिस इन जुलाई 2018, हेडक्वार्टर्स जयपुर। दिस इज वेरी पावरफुल फैमिली इन द जोधपुर एंड वॉन ऑल इलेक्शंस एंड द सपोर्ट बोथ कांग्रेस एंड द बीजेपी। आई डोंट नो इट्स ट्रू और नॉट। द प्रोमोटर मदर इज चेयरमैन एंड द प्रोमोटर इज एमडी एंड इज डॉटर इज डायरेक्टली इन द कंपनी। ठीक है, दिस कंपनी मेड लॉसेज इन इट्स अर्लियर गौरगम पाउडर बिजनेस। इसके जो अर्लियर गौरगम पाउडर बिजनेस था उसमें इन्होंने लॉसेज की, मतलब कुछ इनको बड़े लॉसेज हुए। इन द फरवरी 2018 द कंपनी क्लोज्ड ओल्ड बिजनेस एंड एंटर्ड इनटू द न्यू बिजनेस ऑफ द ग्रेनाइट माइनिंग एंड द प्रोपेंट्स मैन्युफैक्चर। प्रोपेंट मैन्युफैक्चर है, उसमें ये लोग कह रहे हैं कि ये एंट्री पोजिशन बना रहे हैं, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। एंड प्रोमोटर पास्ट क्रेडेंशियल्स नॉट गुड, ये जानते भी हैं कि प्रोमोटर्स के पास क्रेडेंशियल अच्छे नहीं है। दे आर बैलेंस शीट अटैच्ड विद द Q4 रिजल्ट्स एंड द 3 ईयर्स बैलेंस शीट रिवील दैट द कंपनी इज फाइनेंशियली इन टेरेबल मैस। ओके, द करंट एसेट रिसीव्स आर कंसिस्टेंटली इन द 160 करोड़ इन ऑल प्रोबेबिलिटी दे आर नॉट रिकवरेबल एंड आर बैड डेट्स नाउ। द कंपनी हैज लॉन्ग टर्म डेट ऑफ 130 करोड़ बट दे आर नॉट चार्जिंग इंटरेस्ट इन द Q4 एंड Q1 रिजल्ट्स। एट दिस इज इंटरेस्ट फ्री लोन बाई द प्रोमोटर्स। कंपनी हैज टेंजिबल एसेट्स 128 करोड़ बट नॉट चार्जिंग डेप्रिशिएशन इन द Q4 एंड द Q1। कंपनी हैज ट्रेड पेबल एज 130 करोड़, कैश स्टाफ्ड कंपनी जस्ट 3 लैक्स इन द कैश। द माइनिंग ऑफ द स्टोन्स एंड द क्रशिंग दैम टू प्रोपेनेंट्स एप्लीकेशन फॉर द एक्सपोर्ट सीम्स गुड वन। नाउ कम टू द Q1 एंड द Q2 परफॉर्मेंस। नेट प्रॉफिट इन द Q1 9.12 करोड़ एंड द Q2 11.87 करोड़। ओके, ये विकास प्रोपेंट्स की बात हो रही है, स्टॉक के बारे में आगे आपको बताऊंगा। हाफ ईयरली नेट प्रॉफिट्स इज 21 करोड़ एंड द EPS इज द 1.16 ऑन 18.12 करोड़ इक्विटी एंड द फेस वैल्यू 1। ये कह रहा है कि Q1 एंड Q2 में जो प्रॉफिट हुआ टोटल मिलाकर लगभग 21 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को Q1 एंड Q2 के अंदर। एक्सपेक्टेड Q3 एंड द Q4 नेट प्रॉफिट्स रुपीज़ 15-18 करोड़, मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15-18 करोड़ का प्रॉफिट Q3 एंड Q4 में होगा। तो ओवरऑल जो एनुअल जो भी फाइनेंशियल FY19 में जो भी इनका प्रॉफिट आएगा वो तकरीबन आप मान के चलेंगे कि 21 करोड़ ये और 18 करोड़ ये लगभग 39 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी डिक्लेयर करने वाली है FY19 तक। 35 करोड़ आप मान लीजिए। एक्सपेक्टेड फुल ईयर नेट प्रॉफिट इज 55-60 करोड़, मतलब मोर देन एक्सपेक्टेड। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट हाफ ईयरली और सेकंड हाफ ईयरली का जोड़ भी लेते हैं तब भी 39-40 करोड़ ही आता है, बट दे आर सेइंग द एक्सपेक्टेड द फुल ईयर नेट प्रॉफिट इज रुपीज 55-60 करोड़। ओके, दैट इज अ बिग अमाउंट। द प्रमोटर्स आर सब्सक्राइबिंग 11.35 करोड़ शेयर्स एट द रेट ऑफ 2.5 व्हेन द प्राइस इज 1.4 व्हेन दे अनाउंस्ड। ओके, प्रमोटर ने 2.5 के रेट पर शेयर्स परचेज किए थे जबकि उस वक्त प्राइस 1.4 चल रहा था। Qualified non-promoters are the subscribing 21.15 crore shares at 2.5, ESOP of 85 lakh shares at rupees 1. Just a moment. Board meeting on the 10-11-2018 on this preferential issue. ठीक है,
इक्विटी विल स्वेल टू 51.47 करोड़ फ्रॉम द प्रेजेंट 18.12 करोड़. सो लास्ट ईयर रिजर्व्स वर 45 करोड़ विच विल इंक्रीज टू 160 करोड़ इन द 2018-19 करंट ईयर एंड. ठीक है, ये कह रहा पिछले साल के जो रिजर्व्स थे वो 45 करोड़ थे, जो कि अब 18-19 में बढ़ के कितने हो जाएंगे, 160 करोड़ के रिजर्व्स हो जाएंगे कंपनी के. कहाँ से हो जाएंगे ये भी कुछ नहीं पता, बस हो जाएंगे. सिंस स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव इट्स फेस वैल्यू, इट इज़ नो मोर अ पैनी स्टॉक. ये पैनी स्टॉक नहीं है, कह रहे हैं ये कंपनी अप्लाइड फॉर द ग्रेनाइट माइनिंग लाइसेंस इन द अगस्त एंड गॉट LOI लेटर ऑफ द इंटेंट फॉर द ग्रेनाइट माइनिंग. ठीक है, एक्चुअल ग्रेनाइट माइनिंग लाइसेंस विल बी इश्यूड इन द दिसंबर ड्यू टू जनरल इलेक्शन इन द राजस्थान. ये कह रहे हैं कि एक्चुअल ग्रेनाइट माइनिंग लाइसेंस जो है वो इश्यूड होगा इधर दिसंबर में, जनरल इलेक्शन जो राजस्थान में चल रहा है उस समय. 50 करोड़ ग्रेनाइट माइनिंग ऑर्डर इज द वेटिंग फॉर द लाइसेंस. 50 करोड़ का ऑलरेडी ऑर्डर इनके पास पड़ा हुआ है जो कि लाइसेंस का वेट कर रहा है. कंपनी इज गोइंग टू बी द स्टार्ट प्रोपेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एट द बोरोनादा रिको इंडस्ट्रियल एरिया नियर द जोधपुर विद द 33 लाख टन पर ईयर कैपेसिटी. नाउ द कंपनी गॉट सप्लाई ऑर्डर फॉर ₹75,500 प्रोपेंट टू ए रशियन कंपनी टेनेफ्ट फॉर द 448 करोड़ एंड द सप्लाई फ्रॉम द मे टू सितंबर 2000. मतलब ये कह रहे हैं कि इनको 75,500 टन का एक ऑर्डर भी मिला हुआ है जो कि रशियन कंपनी टेटनेफ्ट की तरफ से है, जो कि 448 करोड़ का ऑर्डर है. यानी कि इनके पास ऑलरेडी 450 करोड़ का एक ऑर्डर पड़ा हुआ है जो कि मई से लेकर सितंबर तक रिलीज होना शुरू हो जाएगा. कंपनी टुक 400 बीघा लैंड ऑन द 99 ईयर्स लीज फॉर द ग्रेनाइट माइनिंग एंड सर्व्ड रिपोर्ट फाइल. प्रमोटर एक्सपेक्ट्स 10,000 करोड़ बिजनेस इन द नेक्स्ट 10 ईयर. यानी कि प्रमोटर्स ने अभी से अगले 10 साल का टारगेट बना दिया कि 10,000 करोड़ का बिजनेस इनको करना है. प्रमोटर टोल्ड दैट ही विल गिव डिविडेंड इन 2019. उनको ये भी पता है, प्रमोटर ने ऑलरेडी इनिशियली एक्सपोज कर दिया है कि भैया 2019 में हम सबको डिविडेंड देंगे. तो आप लोग खरीदो शेयर्स को, आपको डिविडेंड भी मिलेगा और हमारा बिजनेस अगले 10 साल में 10,000 करोड़ का होने वाला. सो कीप इन्वेस्टिंग इन अवर कंपनी. प्रेजेंट 3 quarters रिवेन्यू इज फ्रॉम द सेल्स टू डेब्रिज अप टू द 10 meters डेप्थ एंड डेब्रिज इज बॉट बाई द सब कॉन्ट्रैक्टर ऑफ L&T विच हैज़ बीन अवार्डेड मेजर रोड वर्क नियर द जोधपुर. 10.7 करोड़ हैज़ बीन रैपिड आउट ऑफ 106 करोड़ लोन इन द Q2 एंड आउटस्टैंडिंग लोन इज 95 करोड़. सो ये रहा आपका. एंड इसके अलावा ये कहते हैं कि द सर्वे रिपोर्ट इंडिकेट्स जालौर टाइप ग्रेनाइट विथ फाइन टू मीडियम टेक्सचर विद द हाई कमर्शियल वैल्यू. एक्चुअल ग्रेनाइट माइनिंग टू स्टार्ट इन द जनवरी. मतलब ग्रेनाइट की जो माइनिंग स्टार्ट करेंगे January 19 से करेंगे एंड प्रोपेंट मैनुफैक्चरिंग इन द अपलैंड 2019 में करेंगे. I expect the price to reach 50 in the next 2 to 3 years. It might reach earlier. ये कह रहे हैं कि जो price होगा वो 50 रुपये तक पहुँच सकता है, but early भी पहुँच सकता है. Promoter holding is 36.35%. Exactly, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं. Present at will increase to 24% this year. So let's wait for the 24% first. सबसे पहले तो अगर ये कह रहे हैं कि 6.35% है और वो 24% हो जाएगी, तो we will wait for the FY19 shareholding pattern कि क्या वो 24% हो रही है. अगर ये कंसर्न हो जाता है, 24% हो जाती है, देन द वन थिंग विल बी क्लियर कि ये लाइन एब्सोल्युटली करेक्ट है. आफ्टर दिस प्रेफरेंशियल इशू 65% शेयर्स आर लॉक्ड फॉर 3 ईयर्स. नो मोर क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड टू मी एंड डू नॉट ब्लेम मी इफ समथिंग रॉन्ग हैपन्स. ये कह रहे हैं कोई क्वेश्चन मुझसे मत पूछिए और ना ही मुझे ब्लेम कीजिए इफ समथिंग रॉन्ग हैपन्स. ओके, सिंस फर्स्ट अगस्त स्टॉक इज ऑन द कंटिन्यूस अपर सर्किट. ठीक है, बट सडनली 10 to 15 lakh इज सोल्ड बाई HNI हु बॉट इट चीप बिलो द 1. सो वन शुड ट्राई बाइंग डेली एट 9 AM शार्प. ये कह रहे हैं कि डेली आप ट्राई कीजिए सुबह को अर्ली, एकदम जैसे 9 बजे मार्केट खुलता है आप तभी ट्राई कीजिएगा. स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू मूव लाइक कोस्टल कॉरपोरेशन. द कंपनी डिफरेंस इज कोस्टल कॉरपोरेशन मूविंग अप विद द लो वॉल्यूम एंड विकास प्रोपेंट मूविंग अप विद द हाई वॉल्यूम्स. डू योर ओन स्टडी बिफोर बाइंग दिस स्टॉक. द स्टॉक नेम इज, स्टॉक का नाम नहीं पता है. अब मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि स्टॉक नेम इज द विकास प्रोपेंट, लिस्टेड इन द BSE एंड द प्राइस इज द 2.62 विद द 2% अपर सर्किट. ठीक है, अब मैंने इनको बोला ठीक है मैं आपको एनालाइज करता हूँ और मुझे नहीं पता कि इनको स्टॉक के बारे में कितनी नॉलेज है. क्या ये इनको जिसने बताया है
उसने क्या सोच के फॉरवर्ड किया इनके पास या इनको कहाँ से मिला। बट पर मैं आपसे यही कहूँगा दोस्त कि सबसे पहले हम लोग कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो चलिए लेट्स सी विकास पोपेंट, इसके बारे में बात करते हैं। फूड सेक्टर की कंपनी है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की कंपनी है। BSE का कोड इसका 531518, BSE का कोड 531518 एंड मार्केट कैपिटल 47.47 करोड़ की है। EPS 1.23, गुड EPS। प्राइस टू कॉपी 1.74 एंड प्राइस टू अर्निंग 2.13। हालांकि PE जो है वो काफ़ी लोअर है, और जबकि इंडस्ट्री का PE जो है वो 68.45 का है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि बुक वैल्यू 3.97 की है इसकी, जबकि अपने बुक वैल्यू से अभी फ़िलहाल नीचे ट्रेड कर रहा है 2.62 पे। ओके, एंड प्राइस टू बुक 0.66 की है। डिलीवरेबल्स 91% के डिलीवरेबल्स हैं, यानी कि कंटिन्यूसली बाइंग चल रही है इसके अंदर, और 2% का सर्किट है, यानी कि 91% जो भी डिलीवरेबल्स होते हैं वो सर्किट के बाद आपको डिलीवर होते ही होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे बुक क्लोजर इनकी 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में, साथ ही शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखेंगे। शेयर होल्डिंग में लगभग 6.35% प्रमोटर्स के पास है, जैसा कि आर्टिकल में बताया है जो मेरे पास आया है। 84.17% पब्लिक के पास है, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल्स के पास है। इंडिविजुअल्स में कौन कौन से हैं, किन से ये लोग स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं, कौन से HNI हैं, कौन निवेशक हैं जो कि इनको सेल आउट करेंगे प्रमोटर्स को एक प्रीमियम प्राइस पे। ओके, एनी अदर्स के पास 9.48% है। साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं इनके फिनेंशियल्स पे, तो फिनेंशियल्स पे हम लोग बाद में आएंगे, पहले कंपनी इन्फो बात करते हैं। इसके अलावा इनकी दूसरी कंपनी भी है, विकास WSP, केमिकल सेक्टर की कंपनी है। विकास WSP सभी जानते होंगे, नाम सुना होगा आप सभी ने। सो विकास प्रोपेंट एंड विकास WSP सेम कंपनीज हैं। सेम कंपनीज क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा ये भी। द 519307 इसका BSE का कोड है, विकास WSP इसका NSE का कोड है। केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है, एंड सबसे पहले तो हम लोग इसके फंडामेंटल बता देते हैं। 184 करोड़ की विकास WSP की मार्केट कैपिटल है, 5 की PE पे ट्रेड कर रहा है, प्राइस टू बुक 0.17 है और EPS 1.86 है। विकास WSP का जो बुक वैल्यू है वो 54.78 है, यानी कि बहुत ही लोअर प्राइस पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से भी, और इंडस्ट्री PE 42 का है, जबकि इसमें भी लगभग 70% के डिलीवरेबल्स हैं। तो चलिए आइए कंपनीज को कंपेयर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। विकास प्रोपेंट ग्रेनाइट, ये रजिस्टर्ड ऑफिस जो है इनका रजिस्टर्ड हिसार रोड शिवानी हरियाणा 127046, और इनके जो रजिस्ट्रार हैं वो है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, A40 सेकेंड फ्लोर, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2, नियर बत्रा बैंकट हॉल, न्यू दिल्ली 110028। ठीक है, सेम एड्रेस, दो कंपनी रजिस्टर्ड हैं सेम एड्रेस पे, आप देख सकते हैं सेम एड्रेस पे दो कंपनी रजिस्टर्ड। ये हिसार रोड लिखा हुआ है, द सिंपल डिफरेंस इज द रेलवे रोड, दैट्स ऑल, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, केवल यही डिफरेंस है। शिवानी हरियाणा 127046, एक में हिसार रोड मेंशन कर दिया इन्होंने, एक में रेलवे रोड मेंशन कर दिया इन्होंने, ठीक है। चूंकि रजिस्टर्ड एड्रेस देना पड़ता है तो नाम तो डिफरेंट होगा ना, तो उन्होंने एक रेलवे रोड के नाम से रजिस्टर कराई और एक हिसार रोड के नाम से रजिस्टर्ड कराई है। रजिस्ट्रार सेम है, लिंक इंटीमेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, A40 सेकेंड फ्लोर, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2, नियर बत्रा बैंकट हॉल, न्यू दिल्ली 110028 दिल्ली। ओके, साथ ही टेलीफोन नंबर 01255, मे बी ये चेंज होना चाहिए, नहीं ये भी सेम है, 277405 277, यानी कि ये सीरीज़ का टेलीफोन नंबर है। ये टेलीफोन नंबर का एक ही कनेक्शन लिया गया है जिसमें सीरीज़ के नंबर लिए गए हैं। आप देखेंगे 01255 277405 and 200403, जो कि एक कंपनी के अंदर फैक्स का नंबर है वो दूसरी कंपनी के लिए टेलीफोन का नंबर है। आप देख सकते हैं 01255 277405 यहाँ पर टेलीफोन नंबर है विकास प्रोपेंट के लिए, और दूसरा जो विकास WSPOC में ये फैक्स नंबर है और टेलीफोन नंबर डिफरेंट है। तो यहाँ पर चीज़ें समझने वाली हैं कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर आप बिमला देवी जिंदल चेयरमैन हैं, कामनी जिंदल डायरेक्टर हैं, नीरज छावड़ा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। यहाँ पर कामनी जिंदल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, किशन लाल इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, राम अवतार मित्तल इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बिमला जिंदल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है, बिमला जिंदल। इसके अलावा बजरंग दास अग्रवाल, रवि शर्मा एंड दीपिका अग्रवाल,
बजरंग दास अग्रवाल एंड बाकी वो दो नहीं है इसमें, बाकी दो इंडिपेंडेंट इन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बना रखे। ये तो आपने बताया कि सेम कंपनी है, डिफरेंट नाम से रजिस्टर्ड है, सेम रजिस्ट्रार है, सेम रजिस्टर्ड एड्रेस है, सेम फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कहीं पर भी इस तरह की यू नो कंफ्यूजिंग सिचुएशन नज़र आती है तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत ही पेशेंस से काम करना पड़ेगा। और इस तरह के जो मैसेजेस मैंने आपको पढ़ा, इस तरह के मैसेजेस बहुत स्प्रेड होंगे जो कि आपको इनक्रेज करेंगे, बताएंगे लॉन्ग टर्म का हॉराइजन कि भैया स्टॉक इतना का पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, इतना प्राइस हो जाएगा, ताकि आप लोग खरीदारी करें, ठीक है। खैर इसके अलावा कुछ और भी बताना चाहूँगा मैं आपको, फाइनेंशियल्स में आते हैं हम लोग, विकास प्रोपेंट के फाइनेंशियल्स में आते हैं, और फाइनेंशियल्स में बात करते हैं सबसे पहले तो कि यहाँ पर फाइनेंशियल्स आ जाते हैं एक बार। एनुअल नंबर की बात करते हैं विकास प्रोपेंट के, और यहाँ पर आप एनुअल नंबर में अगर देखेंगे तो मार्च 18 में तो कोई नेट सेल्स इनकी डिक्लेयर हुई नहीं है, ठीक है, और प्रॉफिट इनका लॉसेज जो है वो 5.5 करोड़ का लगभग रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पिछले 2 क्वार्टर की जो ये बात करते हैं विकास प्रोपेंट की, भैया की 2 क्वार्टर की जो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि बैलेंस शीट क्लियर नहीं है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, 12 करोड़ 9 करोड़ इनकी सेल्स टोटल सेल्स रही है, ठीक है। आप देखेंगे कि इनकी सेल्स तो रही है केवल 12 करोड़ की, बट इनको प्रॉफिट है 11 करोड़ का, 12 करोड़ का ही प्रॉफिट है, जितनी की सेल्स है उतना ही इनको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इनका कहीं पर भी यू नो अगर हम बात करते हैं भाई, अगर आप कोई प्रोडक्ट को जितने में बनाते हैं, ठीक है, और उतने में सेल कर रहे हैं, जो आपकी सेलिंग है वही आपका प्रॉफिट है, तो बाकी आपके जो खर्चे हैं वो कहाँ गए। यानी कि अगर आप देखेंगे जून में 9.28 करोड़ की टोटल सेल्स थी, और इनका जो प्रॉफिट था वो 9.12 करोड़ का था, ओके। कोई भी रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं हुआ इनका, इनकी सेल्स हो रही है बट इन्होंने रॉ मटेरियल कोई कंज्यूम नहीं किया, परचेज ऑफ ट्रेडिंग गुड्स कुछ नहीं है, पावर एंड फ्यूल कोई भी इनका पावर एंड फ्यूल का कंजम्पशन नहीं आया, केवल इनकी एम्प्लॉई कॉस्ट का खर्चा आया 7 लाख रुपीज़ का और 6 लाख रुपीज़ का। यानी कि पूरी सेल्स हो गई, प्रॉफिट्स आ गए, बट इनका केवल और केवल जो खर्चा आया वो 7 लाख रुपये आया एम्प्लॉई कॉस्ट में, कोई भी रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया। जब रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया तो इन्होंने क्या बेचा, ठीक है, पावर एंड फ्यूल यूज़ नहीं किया तो बिना बिजली के इन्होंने ऐसा कौन सा बिजनेस कर लिया, ग्रेनाइट का समझ लीजिए या माइनिंग का भी समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए आप, तो बिना पावर एंड फ्यूल के या बिना यू नो रॉ मटेरियल के इन्होंने क्या किया। इनका इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने को मिलता है वो है विकास ग्रेनाइट लिमिटेड में, जो ये कहते हैं इनका जो प्रोडक्ट है, क्योंकि अभी एक नया बिजनेस किया आया है, अभी किसी ने नहीं देखा, अभी फिलहाल हम लोग एग्जिस्टिंग पे बात कर रहे हैं, गौरगम पाउडर जिसमें कि कह रहे हैं इनको लॉसेज हुए हैं और ये है वो, अभी हम उसी पे बात कर रहे हैं। गौरगम पाउडर की ये बात करते हैं, विद द वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज फाइंड इन द एप्लीकेशन इन द न्यूमरस इंडस्ट्रीज इन द प्रोडक्ट्स टू मीट द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो गौरगम पाउडर की ये बात कर रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन की भी ये बात कर रहे हैं, बट ये गौरगम पाउडर तो मैनुफैक्चर कर नहीं रहे हैं, गौरगम पाउडर कौन बना रहा है, विकास WSP बना रहा है, यानी कि इनकी दूसरी कंपनी जो है वो ये बनाती है प्रोडक्ट ऑफ द फूड ग्रेड गौरगम पाउडर, ठीक है। यानी कि ये कंपनी प्रोडक्ट बना रही है और ये कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है, समथिंग इज यू नो कंफ्यूजिंग, क्योंकि यहाँ पर 2 कंपनीज चल रही हैं सेम नाम से, सेम रजिस्टर्ड एड्रेस है, तो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि इनको दूसरी कंपनी, और दोनों ही कंपनी के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो प्रमोटर हैं, मेन प्रमोटर हैं वो बजरंग दास ही है, बीडी अग्रवाल ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रमोटर्स के मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं प्रमोटर्स के बारे में, प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं दोनों ही कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में। यहाँ पर बजरंग दास अग्रवाल 6.35% स्टेक है इनके पास, और यहाँ पर भी बजरंग दास अग्रवाल 12.21% स्टेक है, यानी कि दोनों ही कंपनीज सेम ओनरशिप में हैं, सेम ओनरशिप, सेम एड्रेस, सेम रजिस्ट्रार, सेम टेलीफोन नंबर, देन व्हाई द सेम कंपनी इज लिस्टेड विद द 2 different names इन द स्टॉक मार्केट, ऐसा क्यों है। कहीं ना कहीं या तो प्रमोटर्स कुछ गड़बड़ झाला कर रहे हैं या फिर कुछ और ही इशू है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि जब तक इस स्टॉक के अंदर क्लैरिटी नहीं होती, मुझे इस स्टॉक में कोई भी क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है, किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पर ये कहते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स
इनका जो प्रोडक्ट है वो गौरगम पाउडर है, बट जब हम बैलेंस शीट को चेक करते हैं तो कहीं पर भी हमको गौरगम पाउडर का जो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं इनकी, अगर हम फाइनेंशियल्स में देखते हैं, तो कहीं पर भी इन्होंने रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं किया कहीं पर भी इनकी पिछले दो क्वार्टर से। तो ये दो क्वार्टर की जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है ये कहाँ से आ रही है, ये बैलेंस शीट में कहीं पर भी क्लियर नहीं है। जो भी मैसेजेस हैं वो उसमें ट्रस्ट नहीं है कि क्यों मैसेजेस वो थ्रो हुए हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ऑलरेडी पब्लिक के पास 84% शेयर्स हैं। सो स्टॉक अगर ऊपर जाना होता तो जाता है यहाँ से, बट कहीं ना कहीं कुछ अपसाइड जनरेट ले जाके क्या इश्यूज जनरेट करने वाले हैं आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट यहाँ पर मुझे काफ़ी कन्फ्यूजिंग सिचुएशन लगी। ये फिलहाल काउंटर अगर हम लोग देखते हैं डेली चार्ट पे तो बहुत ही तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है, यहाँ पर लोग बाइंग पोजीशन बढ़ा रहे हैं, बट दोस्तों मैं यही कहूँगा ये काउंटर अब यहाँ से नॉन स्टॉप गिरेगा भी, बिकॉज स्टॉक इज़ हाईली वैल्यूड, लगभग 100% RSI पहुँच चुका है, 99% RSI पहुँच चुका है, और स्टिल कितना पोटेंशियल है, 1 या 2 अपर सर्किट और 3 अपर सर्किट और एंड उसके बाद नॉन स्टॉप फॉल इस काउंटर के अंदर। तो दोस्तों विकास पुपेंट मैं आपसे टोटली कहूँगा कि आप इस काउंटर को इग्नोर कीजिए, कोई बाइंग पोजीशन मत बनाइएगा, आपको बड़े भारी नुकसान हो सकते हैं, आपका पैसा डूब सकता है, ठीक है। तो ये जो भी आप हैं मिस्टर ABD111 आपसे भी यही कहूँगा कि माय डियर कि अभी आप अगर आपको लगता है कि ऐसा 6.35% से इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 24% होने वाली है, देन लेट्स वेट फॉर द मार्च शेयर होल्डिंग पैटर्न। जब मार्च की शेयर होल्डिंग पैटर्न आती है तब उसमें हम देखेंगे पहले कि क्या 24% प्रोमोटर्स की होल्डिंग हो रही है, देन वी हैव द इनफ टाइम टू टेक पोजिशन इन दिस काउंटर अगेन। सो टिल देन आप विकास प्रोपेंट को इग्नोर कीजिएगा, आपको किसी भी तरह से पोजिशन नहीं बनानी है। इस मैसेज की क्रेडिबिलिटी क्या है ये भी अभी नहीं पता है, किसने थ्रो किया ये मैसेज वी डोंट नो। सो अंटिल एंड जब तक कि हमें किसी भी मैसेज की क्रेडिबिलिटी नहीं पता होती, जब तक हमें उसका आउटपुट बिजनेस का नज़र नहीं आता बैलेंस शीट के अंदर, या वो स्टॉक हम जब उसको रिसर्च करते हैं और पाते हैं कि दो कंपनीज हमारी सेम एड्रेस पे सेम रजिस्ट्रार के साथ सेम नेम से सेम टेलीफोन नंबर पे रजिस्टर्ड है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में शक का कीड़ा बैठना लाजमी है। सो दोस्त मैं इसीलिए कहूँगा इस कंपनी से आप बचिएगा, ये एक बड़ा स्कैम भी हो सकता है, और अगर आप इस स्कैम में फंसेंगे फिलहाल तो देखिए इस काउंटर में पोजीशन बनाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि स्टॉक इज़ ट्रेडिंग नियरली 99% RSI। सो 99 के RSI पे ट्रेड कर रहा था, ऑब्वियसली आप इसके अंदर पोटेंशियल ख़त्म हो चुका है, यहाँ से कंटिन्यूस आपको लोअर सर्किट्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं जो कि नॉन स्टॉप लोअर सर्किट्स होंगे, एंड देन आप एलिजिबल नहीं रहेंगे काउंटर को सेल करने के लिए। सो प्लीज़ डोंट बाय दिस फ्रॉड शेयर, स्टिल मैं इसको फ्रॉड ही बोलूँगा एट प्रेजेंट। आगे कुछ इसके अंदर इजाफे इंप्रूवमेंट्स होते हैं देन डेफिनेटली आई विल शेयर द वीडियो अगेन, बट फॉर नाउ आप इस काउंटर से बच के रहिए, अपने पैसे को बचा के रखिए, और इस तरह के किसी भी मैसेजेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली ट्रीट मत कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप के एक मैसेज से इंफीबीम का शेयर आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ आ चुका है। केवल एक व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट हुआ और आपका इंफीबीम धराशाही हो गया, केवल एक र्यूमर की वजह से DHFL धराशाही हो गया, जो कि इतने बड़े बड़े फंडामेंटल साउंड पिक्स हैं। तो दोस्तों आप अपने पैसों को समझदारी से लगाइए, किसी भी एक मैसेज के बेसिस पर अपने पैसे को निवेश करना एक समझदारी नहीं, मैं उसको बेवकूफ़ी ही कहूँगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करूँगा कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप इस काउंटर के नाम के साथ अलर्ट मेंशन कर दीजिएगा, और जब भी कभी आपके पास इस काउंटर के नाम से विकास प्रोपेंट के नाम से कोई मैसेज आता है देन प्लीज़ इग्नोर दैट मैसेज एंड नेवर बाय। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।